सिंगापुर में किडनी का इलाज करा रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने कभी अपने पक्के दोस्त रहे बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन से माफी मांगी है। गंभीर रूप से बीमार अमर सिंह ने कहा कि वह जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और जीवन के इस मोड़ पर अमिताभ से माफी मांगते हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश और साथ ही ट्वीट के जरिए अमिताभ के नाम यह माफीनामा जारी किया है। अमर ने कहा कि अमिताभ बच्चन रिश्तों में तलखी के बावजूद हमेशा अपना फर्ज निभाते रहे, जबकि उन्होंने ही नफरत बढ़ाने का काम किया है। अमर सिंह ने लिखा है कि आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और मुझे इसी को लेकर अमिताभ बच्चन जी का एक मैसेज मिला। आज जीवन के इस वक्त में जब मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं, मैं अमित जी और पूरे परिवार से अपनी टिप्पणियों को लेकर माफी मांगना चाहता हूं। ईश्वर उन सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। देखिए एक रिपोर्ट। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा, बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का स्मरण किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी की स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजरा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं था, इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। लेकिन उनके मन में लगता है न तो निराशा है न तो कटुता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं, उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।